शंटिंग का काम चल रहा था। ये जो वैगन है इनमें रेल आती है, नई रेल भिलाई से आई थी, शंटिंग चल रही थी जिसमें ये घटना हुआ है। और शंटिंग हो रही थी, ये गाड़ी कहीं जा नहीं रही थी, यहाँ लोकल थी, स्लो स्पीड पे थी। तो जो डिरेलमेंट हुआ है उसके बाद ट्रैक को आधा गाड़ी खाली हो गया था, आधा बाकी है, तो इसमें ट्रैक को डैमेज नहीं है कोई भी। लगभग कितने की संख्या में, मतलब जो डिब्बे है जो पटरी से अलग हुए? चार है। शंटिंग का काम चल रहा था। ये जो वैगन है इनमें रेल आती है, नई रेल भिलाई से आई थी, शंटिंग चल रही थी जिसमें ये घटना हुआ है। और शंटिंग हो रही थी, ये गाड़ी कहीं जा नहीं रही थी, यहाँ लोकल थी, स्लो स्पीड पे थी। तो जो डिरेलमेंट हुआ है उसके बाद ट्रैक को आधा गाड़ी खाली हो गया था, आधा बाकी है, तो इसमें ट्रैक को डैमेज नहीं है कोई भी। लगभग कितने की संख्या में, मतलब जो डिब्बे है जो पटरी से अलग हुए? चार है। तो कितने अभी तक क्या कुछ क्या किया गया? लगभग आधा काम हो गया है, 3 घंटे हो गए लगभग 3 घंटे हुए हैं। और ये और तो थोड़ी सी देर में एक लाइन अभी क्लियर हो रही है, 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगी। तो ये हम लोग 2 डब्बे उठा चुके हैं, 2 डब्बे हैं, इनको जरा सा ये 2 डब्बे रिलेल होंगे, उसके बाद एक लाइन चालू हो जाएगी। गाड़ी को अभी तक बाधित कर दिया गया है? वो कंट्रोल में पता चलेगा, हम लोग यहाँ साइट पर हैं, बट साइट पे हमारे 2 ARTs आई हुई हैं, समस्तीपुर का ARTs है, सोनपुर का ARTs है, दोनों तरफ से काम चल रहा है। और हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा काम कर चुके हैं, और थोड़ी देर में ट्रैफिक चालू करने के लिए, तो जो लोगों को तकलीफ है उसको तुरंत खत्म करने के लिए अभी ये गाड़ी चालू कर रहा है। कितने की संख्या में टेक्नीशियन टीम को यहाँ बुलाया? यहाँ लगभग 200 लोग हैं। क्या लग रहा है कितने देर में यहाँ पर सही हो जाएगा? एक लाइन हमारे को आधे घंटे में मिलनी चाहिए।